हेलो इंजीनियर्स, दिस सुब्र शांति। तो आज आपके लिए है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले किस प्रकार से आसानी से हम लोग घर में बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन इस पर हम लोग कोई भी पैटर्न हम लोग ड्रॉ करके लिक्विड क्रिस्टल पे देंगे और वही ड्रॉ इस पर डिस्प्ले करेगा। वो किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का कुछ नया सीखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। तो डिस्प्ले को बनाने से पहले डिस्प्ले के अंदर क्या क्या रहता है वो हम लोगों को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पोलराइजर होते हैं वो ऊपर की तरफ एक पोलराइजर होता है। पोलराइजर क्या बोलते हैं, ये जो पेपर आप देख रहे हैं इसको हम लोग पोलराइजर बोलते हैं। तो इसके अंदर से आप देख सकते हैं, इस तरह करने पर ये पोलराइजर इसमें से लाइट गुजर रहा है और मूविंग करने पर लाइट नहीं गुजर रहा है, ये ब्लैक हो जा रहा है। तो इसको हम लोग पोलराइजर बोलते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ से ले सकते हैं वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अभी देखिए, पोलराइजर एक लगा दिया इस पर, उसके बाद ग्लास होगा, ग्लास के ऊपर एक पॉजिटिव कोटिंग होगा, उसके बाद नीचे और एक ग्लास होगा, उस ग्लास के ऊपर भी एक पॉजिटिव कोटिंग होगा। तो वो कोटिंग के बाद होगा और एक पोलराइजर। तो दो पोलराइजर हमने दो साइड फिट कर दिया है। अभी देखिए, बीच में जो आप देख रहे हैं ये जो माइनस की तरह दिखा दे रहा है वो होगा लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल किस प्रकार से होगा, मान लीजिए इसके अंदर से होल है, ठीक है। तो जब भी इस तरह रहेगा तो लाइट पोलराइजर के अंदर से होके लाइट यहाँ से अटक जाएगा, लाइट नहीं गुजरेगा। तो जब भी ये जो पॉजिटिव कोटिंग आप देख रहे हैं इस पर जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। होने के बाद क्या होगा, सभी लिक्विड क्रिस्टल इस तरह मूविंग हो जाएगा। तो मूविंग होने के बाद इसके अंदर से लाइट गुजरेगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से लाइट गुजरता है। तो लाइट गुजरने के बाद यहाँ पे जो कि ड्रॉप होगा, होने के बाद लाइट फिर से यहाँ से पास करेगा तो हम लोगों को इसके अंदर से कोई भी चीज़ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये डिस्प्ले काम करते हैं। तो हम लोग इसी प्रक्रिया को यूज़ करके हम लोग एक डिस्प्ले बनाएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो अभी हम लोग जो मॉनिटर है, मॉनिटर के जो LCD मॉनिटर होते हैं इसका जो ऊपर का जो पेपर होते हैं वो हम लोग खोलेंगे, इसको पोलराइजर बोलते हैं। तो उसी पेपर को हम लोग यूज़ करेंगे, जो LCD डिस्प्ले हम लोग यूज़ करेंगे उसके ऊपर इसको लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड पर लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद LCD दिखाई देगा। तो अभी चलिए जो मॉनिटर है उससे पोलराइजर को खोलते हैं, जो पुराना मॉनिटर है उससे खोलेंगे, क्योंकि नया से खोलेंगे तो मॉनिटर पे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग पुराना LCD मॉनिटर से हम लोग इसको खोलेंगे। सबसे पहले हम लोगों को दो ग्लास लेना होगा, दोनों ग्लास पे हम लोगों को पॉजिटिव कोटिंग डालना होगा। तो आप किसी भी साइज का आप ले सकते हैं, मैंने छोटा छोटा दो ले लिया है ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इस पर हम लोग एक साइड पे पॉजिटिव कोटिंग डालेंगे पूरा का पूरा ग्लास पे, और दूसरे ग्लास पे हम लोग जो पैटर्न हम लोग डालेंगे वो पैटर्न को हम लोग इस पर चिपकाएंगे, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव कोटिंग डालेंगे ताकि जो पैटर्न हुआ है उसी पैटर्न पे पॉजिटिव कोटिंग इस पर आ सके। तो उसके बाद हम लोग पॉजिटिव कोटिंग जो होते हैं वो एक प्रकार का लाइट के माध्यम से होता है। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से एक पॉजिटिव कोटिंग हम लोग ग्लास पे डाल सकते हैं।
देख सकते हैं इस पर हम लोग जो कि पॉजिटिव कोटिंग डाल दिया है, तो अभी हम लोग इसका वोल्टेज हम लोग टेस्ट करेंगे, जो कि इसका रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस इस पर आ जाएगा। तो अभी देखिए, तो अभी देख सकते हैं इस पर रेजिस्टेंस इस पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोगों को मालूम हो गया है कि इसके अंदर पॉजिटिव कोटिंग हो गया है। तो अभी देख सकते हैं ये जो दोनों डिस्प्ले पे हमने पॉजिटिव कोटिंग डाल दिया है लाइट के जरिए, तो इसी पॉजिटिव कोटिंग को हम लोगों को एक साथ इस तरह लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद इसके अंदर दोनों ग्लास के अंदर बीच के बीच पे हम लोगों को लिक्विड क्रिस्टल जो है उसको डालना पड़ेगा। वो लिक्विड के तरह होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा लिक्विड क्रिस्टल, तो इसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तो इसको आप मार्केट में मिल जाएगा लिक्विड क्रिस्टल, उसको हम लोग इस पर डालने के बाद हम लोग इसका काम नेक्स्ट पे कर सकते हैं। तो अभी चलिए, अभी इसका लिक्विड क्रिस्टल हम इस पर डालते हैं। सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग दोनों साइड पे हम लोग जो कि एल्युमिनियम का पेपर डालेंगे और इस पर हम लोग वोल्टेज डालेंगे। मतलब पेपर क्यों डालेंगे, ताकि ग्लास पे जहां पे हम लोग पॉजिटिव कोटिंग डाल दिया था उसी ग्लास पर ये अटैच होने के लिए हम लोग इसको डालेंगे। उसके बाद हम लोग इस पर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तो ऑन ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग डालेंगे और इसके अंदर जो भी हमने ड्रॉ किया था वो लाइट के जरिए ऑन ऑफ इस तरह हो जाएगा। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करते हैं हम लोग।
देखा आपने किस प्रकार से आसानी से हम लोग घर पे एक लिक्विड क्रिस्टल का डिस्प्ले हम लोग बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी से। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।